वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। बहुत सारा स्टूडेंट का तरफ से रिक्वेस्ट आ रहा था, सर पावर ट्रांसमिशन चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का प्रॉब्लम आता है पावर ट्रांसमिशन चैप्टर में। जितना भी ITI स्टडी आप लोग को कराते हैं यूट्यूब चैनल, अलग अलग यूट्यूब चैनल, तो उसमें अगर आप लोग ढूंढते तो पावर ट्रांसमिशन का कपलिंग क्लच का वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, वेल्डिंग का वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ECM, EDM, कास्टिंग, मोल्डिंग, ये सब वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं ऑलवेज कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ डिफरेंट अलग टाइप का वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने का। इसीलिए जो टॉपिक किसी भी नहीं देता, कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं देता, वो सब चीज़ मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगा। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आप लोगों के लिए अपलोड किया हूँ, और मैंने स्टार्ट किया हूँ कपलिंग चैप्टर को डिस्कशन करना। तो कपलिंग का पहला पार्ट मैं अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। उसका बाद मैं आज कपलिंग का लास्ट पार्ट डिस्कशन करने वाला हूँ। तो जो भी स्टूडेंट पहला पार्ट नहीं देखा, पहला पार्ट देखिए, तभी आपको बेसिक क्लियर होगा। उसका बाद जो भी आपका एडवांस है कपलिंग का, वो सब आपको समझ में आएगा। तो बेसिक आपको सबसे पहले क्लियर करना है। तो इन दोनों वीडियो अगर आप लोग देख लेते तो कपलिंग चैप्टर में कोई भी आप लोगों का डाउट नहीं रहेगा, हम गारंटी के साथ आपको बता सकते हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट आज मेरा यूट्यूब चैनल पर नया है, उस सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना भी स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहा है, क्योंकि मैं ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो बाकी जगह में अगर आप लोग देखते तो पेड कोर्स में आप लोग का अवेलेबल होता है। तो इन सब वीडियो पेड कोर्स में भी आप लोग अगर लेते तो उसमें भी आपको ये सब टॉपिक क्लियर नहीं करता। तो मैं आप लोग को जब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको इसको अच्छा से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग को सही में टेक्निकल में सिलेक्शन लेना है तो ये सब टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। पिछला क्लास में मैं आपको डिटेल में बताया था फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या होता है। तो सबसे पहले पिछला क्लास का वीडियो देखिए, उसका बाद आज का क्लास स्टार्ट कीजिए, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो रिजिड कपलिंग में मैं आपको बताया था, जब दोनों शाफ्ट ड्राइवर और डिवेंट शाफ्ट एक ही एक्सिस पर रहेगा तब हम लोग रिजिड कपलिंग यूज़ करेंगे, और जब दोनों शाफ्ट अलाइनमेंट में नहीं रहेगा, मिस अलाइनमेंट रहेगा, तब उन दोनों शाफ्ट को जोड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग। अगर नॉर्मली बात करते हैं, एक शाफ्ट का एक्सिस है और एक दूसरा शाफ्ट का एक्सिस है, तो इसमें क्या होता है, मिस अलाइनमेंट है, तो इन दोनों शाफ्ट को जोड़ने के लिए हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग यूज़ करते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, और इसमें कोई भी अगर मिस अलाइनमेंट होता है, वो गड़बड़ होने का कारण क्या होता है, हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग यूज़ करते हैं, और क्या करते हैं, उन दोनों शाफ्ट को अच्छा से जोड़ के उन दोनों शाफ्ट का बीच में पावर ट्रांसमिशन करता है। फ्लेक्सिबल कपलिंग का सबसे पहला टाइप होता है ओल्डहैम कपलिंग। तो ओल्डहैम कपलिंग क्या होता है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट द टू पैरेलल शाफ्ट व्हेन सम इसेंट्रिसिटी इज प्रेजेंट। टू पैरेलल शाफ्ट मतलब क्या है, एक शाफ्ट का अगर एक्सिस होता है और दूसरा शाफ्ट का ए एक्सिस होता है, तो इन दोनों क्या रहता है, पैरेलल में रहता है। तो इसमें कौन सा टाइप ऑफ मिसअलाइनमेंट होता है, पैरेलल मिस अलाइनमेंट आप लोग बोल सकते हैं, रेडियल मिस अलाइनमेंट आप लोग बोल सकते हैं, या लेटरल मिस अलाइनमेंट आप लोग बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता, बोला है कि इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट, दो पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करते हुए व्हेन सम इसेंट्रिसिटी इज प्रेजेंट। इसेंट्रिसिटी मतलब क्या होता है, इसका जो सेंटर शाफ्ट का जो सेंटर पोर्शन है और इसका जो सेंटर लाइन है वो एक साथ अलाइनमेंट नहीं होता है। ओके, क्योंकि आप लोग लेद मशीन पर इसेंट्रिक जॉब को टर्निंग किया, उसमें भी आप लोग जानते हैं कि इसेंट्रिक जॉब क्या होता है, इसका जो सेंटर लाइन है इसका सेंटर लाइन का साथ वो मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा जब शाफ्ट रहेगा, दो पैरेलल शाफ्ट, तब दोनों शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ओल्डहैम कपलिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है, ओल्डहैम कपलिंग का यूज़ करेंगे, ओके। और इसमें मैं आपको पिछला क्लास में मैं आपको बताया था फ्लेक्सिबल कपलिंग मिनिमम कितना पैरेलल डिस्टेंस, ये जो आपको दिया है, ये जो पैरेलल शाफ्ट जो आपको बोल रहा है कि पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए ओल्डहैम कपलिंग यूज़ होता है, तो इसेंट्रिक डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0.1 से 0.5 मिलीमीटर तक अगर इसमें गैप रहेगा या इसेंट्रिसिटी रहेगा, तब हम लोग ओल्डहैम कपलिंग का मदद से दोनों शाफ्ट को जोड़ सकते हैं, ओके। इसमें आप देख सकते हैं बिटवीन टू रोटेटिंग शाफ्ट, जो दो रोटेटिंग शाफ्ट होता है उन दोनों का बीच में अगर आपको मिलता है कि पैरेलल, जो अभी मैं आपको बताया पैरेलल अगर मिस अलाइनमेंट है, तो उन दोनों शाफ्ट को जोड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ओल्डहैम कपलिंग। इसमें आपको ब्रैकेट में क्या बोला है, हुज एक्सेस आर पैरेलल बट नॉट इन वन लाइन, मतलब इसका एक्सेस क्या होता है, पैरेलल होता है बट एक लाइन में नहीं है, मतलब ये मिस अलाइनमेंट है। और एक स्लैश देकर आपको बताया है, हुज एक्सेस
आर एट ए स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, मतलब जिसका एक्सेस क्या है कि कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी में वो रहते हैं। कुछ दूरी मतलब क्या, मैं आपको बता दिया हूँ कि 0.1 से 0.5 का बीच में, मिलीमीटर का बीच में होना पड़ेगा, समझ में आ गया है। तो जब दोनों शाफ्ट का बीच में इसेंट्रिसिटी रहेगा या दोनों शाफ्ट क्या रहेगा पैरेलल में रहेगा, तो ऐसे दो शाफ्ट को अगर कनेक्ट करना है, कनेक्ट करके पावर को ट्रांसमिट करना, शक्ति संचरित करने के लिए, टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा ओल्डहम कपलिंग का। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या बताया जा रहा है, टू कास्ट आयरन फ्लैंजेस, मतलब इस कपलिंग के लिए दो फ्लैंज रहता है जो कास्ट आयरन से बनते हैं। ईच हैविंग ए रेक्टेंगुलर स्लॉट, मतलब एक एक फ्लैंज में रेक्टेंगुलर स्लॉट कटे रहते हैं, ठीक है। तो एक फ्लैंज है, मैं आपको डायग्राम का थ्रू बताता हूँ, और ये दूसरा फ्लैंज है, ओके। इसमें एक रेक्टेंगुलर स्लॉट कटे रहेगा और इसमें भी एक रेक्टेंगुलर स्लॉट कटा हुआ रहेगा, ओके। और इसका बाद बोला है आर कीड वन ऑन ईच शाफ्ट एंड, मतलब एक एक शाफ्ट एंड को फ्लैंज का साथ जोड़ने के लिए आपको की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट पिछला क्लास देखा वो सभी स्टूडेंट जानते हैं, ये जो फ्लैंज है, फ्लैंज का साथ अगर आपको शाफ्ट को, शाफ्ट का एंड को अगर आपको कनेक्ट करना है, फिक्स करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा की का, ओके। इसमें भी आपका ड्रिवन शाफ्ट रहेगा, तो ड्रिवन शाफ्ट के साथ फ्लैंज को फिक्स करने के लिए की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और की वे आपका फ्लैंजेस पर और आपका शाफ्ट पर दोनों पर ही की वे बने रहेगा। की वे हम लोग क्यों बनाते हैं, की को प्लेस करने के लिए, और की का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, ट्रांसमिटिंग टॉर्क, टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए। तो इधर ये जो ड्राइवर शाफ्ट है, ड्राइवर शाफ्ट से क्या होता है, इधर आपका और क्या होता है, इधर पावर जेनरेट होता है और ये घूमता है, और ये जो पावर है कहाँ पे जाता है, ये पावर की में जाता है, और की पावर ट्रांसमिट करता है किसको, फ्लैंज को करता है, और ये दो फ्लैंज को तो हम लोग जोड़ते हैं। इसके बाद क्या होगा, ए फ्लैंज से ए फ्लैंज में जाएगा पावर, और ये जो फ्लैंज में है ये पावर किसको ट्रांसमिट करेगा, की को करेगा, और की फिर पावर को कहाँ पर ट्रांसमिट करेगा, ड्रिवन शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट करेगा। तो ऐसे पावर ट्रांसमिशन होता है कपलिंग का मदद से, ओके। तो इसमें आपको यही बोला है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोला है, टू फ्लैंजेस आर पोजिशनड सच दैट द स्लॉट इन वन इज एट राइट एंगल टू द स्लॉट इन द अदर, मतलब इसमें आपको बताया जा रहा है दो फ्लैंज आपको ऐसे पोजिशन करना पड़ेगा, ऐसे आपको सेट करना पड़ेगा कि एक फ्लैंज का स्लॉट का साथ दूसरा फ्लैंज का स्लॉट टोटल 90 डिग्री में वो हम लोग पोजिशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, ओल्डहम कपलिंग में दो फ्लैंज आप लोग यूज़ करें जिसमें रेक्टेंगुलर स्लॉट कटे रहेगा, और वो स्लॉट को आपको ऐसे आपको पोजिशन में सेट करना पड़ेगा, या आप बोल सकते हैं दो फ्लैंज को ऐसे पोजिशन में आपको सेट करना पड़ेगा कि एक स्लॉट, मतलब ए इस फ्लैंज का ए स्लॉट इस फ्लैंज का इस स्लॉट का साथ राइट एंगल में रह सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको सेट करना पड़ेगा। तो जब भी मैं आपको डायग्राम बताऊंगा और भी अच्छा से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आपको बताया जा रहा है, टू मेक द कपलिंग, कपलिंग को बनाने के लिए ये सर्कुलर डिस्क टंग विथ टू रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन ऑन आइदर साइड एंड एट राइट एंगल टू ईच साइड इज प्लेस बिटवीन द टू फ्लैंजेस। इसमें आपको बताया जा रहा है, अगर आपको कपलिंग बनाना है, ओल्डहम कपलिंग को बनाने के लिए आपको और एक चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, सर्कुलर डिस्क। तो ऐसे एक सर्कुलर डिस्क रहेगा जिसको टंग कहेगा, और उसमें क्या रहेगा, उसका दोनों साइड में रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन रहेगा। रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन मतलब क्या होगा, उसमें ये जो आपका सर्कुलर डिस्क है और ये जो आपका थोड़ा सा पोर्शन ऊंचा हो जाएगा, इस साइड में भी ऐसे रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन रहेगा और इस साइड में भी रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन रहेगा, ठीक है। एंड एट राइट एंगल टू ईच अदर इज प्लेस बिटवीन द टू फ्लैंजेस। तो दो फ्लैंज को अगर आपको राइट एंगल में सेट करना है, क्योंकि इस कपलिंग में दो फ्लैंज को राइट एंगल में आपको सेट करना पड़ेगा, तब आपको उसका बीच में किसका इस्तेमाल करना है, सर्कुलर डिस्क या टंग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये जो फ्लैंज है, फ्लैंज में आपका रेक्टेंगुलर स्लॉट कटे हैं, ओके। उसमें क्या आ जाएगा, सर्कुलर डिस्क का रेक्टेंगुलर जो प्रोजेक्शन है, मेल पार्ट क्या होगा इसमें मैच करेगा, ओके। और इसमें क्या है, ये जो आपका जो सर्कुलर डिस्क है उसका ऑपोजिट साइड में भी क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन रहेगा, वो इस फ्लैंज का साथ वो क्या होगा, वो मैच करेगा, ओके। उसका बाद क्या होगा, पावर ट्रांसमिट होगा, कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट पूरा वीडियो आपको देखना है, ओके। ड्यूरिंग मोशन द सेंट्रल डिस्क व्हाइल टर्निंग स्लाइड्स इन द स्लॉट ऑन द फ्लैंजेस। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली फ्लैंजेस में आपको स्लॉट कटे हैं, ओके, और इधर जो आपका सर्कुलर डिस्क है उसमें आपका रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन है,
तो किसका ऊपर स्लाइड हो रहा है, स्लाइड इन द स्लॉट ऑफ द फ्लैंजेस, मतलब ये जो आपका स्लॉट बने हैं फ्लैंजेस पर उसमें कौन सा चीज स्लाइड हो रहा है, सर्कुलर डिस्क, सेंट्रल डिस्क उस स्लाइड हो रहा है। ओके, कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। पावर ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस बिटवीन द शाफ्ट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव कनेक्शन बिटवीन द फ्लैंजेस एंड द सेंट्रल डिस्क। तो पावर ट्रांसमिशन इसमें दोनों शाफ्ट का बीच में क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव कनेक्शन होता है फ्लैंज और सेंट्रल डिस्क का बीच में। तो कैसे होता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा आपको क्लियर करूँगा। ये आपका फ्लैंज है, एक फ्लैंज है और एक आपका दूसरा फ्लैंज है। इसमें आप देख सकते हैं ड्राइवर शाफ्ट है और ये ड्रिवन शाफ्ट है, और इस शाफ्ट में भी क्यूए कटे हैं और इस फ्लैंज में भी क्यूए कटे हैं। तो ये शाफ्ट कहाँ जाएगा, इस होल के अंदर जाएगा और की देके हम लोग उसको फिक्स करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं शाफ्ट में भी क्यूए कटे हैं और इसमें भी क्यूए कटे रहेगा, फ्लैंज में भी क्यूए कटे रहेगा। तो इस शाफ्ट को फिक्स करने के बाद आपको की यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो पावर ट्रांसमिट हो पाएगा। ओके, इसके बाद मैं आपको बताया था कि फ्लैंज में रेक्टेंगुलर स्लॉट कटे, तो आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर स्लॉट कटे हैं और ये भी रेक्टेंगुलर स्लॉट कटे, दोनों फ्लैंज पर ही रेक्टेंगुलर स्लॉट कटे रहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, मैं आपको पहले ही बताया था, जो रेक्टेंगुलर स्लॉट है एक कैसा, ये वाला कैसे ऐसे ही टोटली वर्टिकल है और ये वाला कैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल है, उन दोनों को राइट एंगल में आपको पोजीशन करना ही है या सेट करना है। तो ए फ्लैंज का साथ ए फ्लैंज को राइट एंगल में ऐसे जो मैं आपको बताया हूँ ऐसे राइट एंगल में आपको सेट करना पड़ेगा। इसके लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो सर्कुलर डिस्क है या सेंट्रल डिस्क है जिसको टंग कह रहे हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं ये सर्कुलर डिस्क है, इसमें इस साइड में क्या है, रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन है, ओके, या बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर मेल पार्ट है, और फ्लैंज में क्या है, रेक्टेंगुलर फीमेल पार्ट है, और इसमें भी आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर फीमेल पार्ट है, इसमें रेक्टेंगुलर मेल पार्ट है। इसका बाद टोटल चीज को मैं इरेज करता हूँ। तो ए क्या होगा, ए जो सेंट्रल डिस्क है इस स्लॉट में जाएगा, और ए जो आपका राइट एंगल में है और दूसरा जो प्रोजेक्शन है वो राइट एंगल में है, क्योंकि ये वाला ऐसे है, ए वाला ऐसे है और ए वाला क्या है ऐसे टोटली उसका साथ राइट एंगल में है। तो ए वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, इसमें आएगा। तो जब भी आएगा तो दोनों फ्लैंज को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कपलिंग होता है इस कपलिंग को कहते हैं ओल्डहैम कपलिंग, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली कौन सा चीज़ स्लाइड होता है, तो रेक्टेंगुलर स्लॉट का ऊपर कौन सा चीज़ स्लाइड होगा, ये स्लाइड होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्शन पार्ट है, मेल ही स्लाइड होगा, ये तो आपका फिक्स है। तो क्या होगा, इसमें जब भी आप लोग ए पार्ट को इसमें डालेंगे, स्लॉट में डालेंगे, और ए पार्ट को इसमें डालेंगे, तो जब भी दोनों पैरेलल सबके बीच में आपका गैप रहेगा, तो क्या होगा, ये जो पार्ट है प्रोजेक्शन वाला पार्ट है कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, ठीक है। तो कैसा होगा अभी मैं आपको 3D ड्राइंग का थ्रू बताता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो ए वाला एक फ्लैंज है और ए वाला एक फ्लैंज है, उसका बीच में आपको क्या है, सेंट्रल जो आपका डिस्क है जिसको आप लोग टंग कह रहे हैं, तो कौन सा चीज़ एक्चुअली स्लाइड हो रहा है, जो आपका सेंट्रल वाला पार्ट है ना, सेंट्रल वाला टंग है, वो क्या हो रहा है उन स्लॉट में, वो स्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसेंट्रिक शाफ्ट है, तो इसेंट्रिक शाफ्ट का बीच में अगर आपको पावर को ट्रांसमिट करना है तो टंग का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये होता है ओल्डहैम कपलिंग। तो आपको डायग्राम शायद समझ में आ गया कि कैसे ये हो रहा है, बाकी प्रोसेस मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। ओके, इसमें आप देख सकते हैं सेम आपका ओल्डहैम कपलिंग का और एक डायग्राम है। इसमें क्या है, ये जो आपका वर्टिकल पार्ट है मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपका हॉराइजेंटल पार्ट है इसमें आपको इस साइड में हो रहा है, और जो वर्टिकल पार्ट है वो फ्लैंज में उसमें जाएगा, ठीक है, और उसमें क्या आएगा, क्या करेगा, इसमें ऐसे पावर को ट्रांसमिट करेगा दो शाफ्ट को कनेक्ट करके। समझ में आ गया, नेक्स्ट कपलिंग पर चलता हूँ। तो इधर मैं आपको 2D दिखाया हूँ और 3D भी आपको दिखाना चाहिए था, इसलिए मैं आपको 3D भी दिखा दिया हूँ, ठीक है, समझ में आ गया कैसे पावर ट्रांसमिट हो रहा है। नेक्स्ट यूनिवर्सल कपलिंग, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं यूनिवर्सल कपलिंग से। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, यूनिवर्सल कपलिंग का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका बहुत सारा नाम होता है, यूनिवर्सल है ना, इसीलिए इसका अलग अलग नाम है। तो द अनदर नेम ऑफ यूनिवर्सल कपलिंग इज कार्डन ज्वाइंट, स्पाइसर ज्वाइंट, ए हार्डी स्पाइसर ज्वाइंट और ए हुक ज्वाइंट, ठीक है, इसका टोटल 4 नेम है। तो यूनिवर्सल कपलिंग को कभी कभी यूनिवर्सल ज्वाइंट भी बोला जाता है, और इसका दूसरा नाम है हुक ज्वाइंट, मैक्सिमम जगह में आपको हुक ज्वाइंट ऑप्शन में दिया जाता है। और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछता है, यूनिवर्सल कपलिंग अलाउ पॉजिटिव ट्रांसमिशन ऑफ पावर, तो क्वेश्चन आपको पूछता है व्हिच कपलिंग अलाउज पॉजिटिव ट्रांसमिशन ऑफ पावर,
राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल कपलिंग। इसमें क्या करता है, पॉजिटिव ट्रांसमिशन करता है पावर का, कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कितना डिग्री एंगल में करता है, एट वेरी लार्जर एंगल। ओके, मतलब बहुत ही बड़ा एंगल में पॉजिटिव ट्रांसमिशन करने के लिए हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। कितना डिग्री में, 20 से 30 डिग्री में। तो 20 से 30 डिग्री का एंगल में अगर आपको पावर को ट्रांसमिट करना पड़ेगा तो आपको यूज़ करना पड़ेगा यूनिवर्सल कपलिंग, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बताया हूँ कि फ्लेक्सिबल ज्वाइंट का दूसरा टाइप होता है यूनिवर्सल कपलिंग। ओके, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ रहा है फ्लेक्सिबल कपलिंग में क्या हो रहा था, सॉफ्ट का एक्सेस इसमें समान नहीं होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं सॉफ्ट क्या रहेगा, एंगुलर रहेगा, कितना डिग्री, 20-30 डिग्री का एंगल में रहेगा। तो एंगुलर मिसअलाइनमेंट इसमें है, तो एंगुलर मिसअलाइनमेंट को भी अगर आपको जोड़ना है, वैसे सॉफ्ट को जोड़ना है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा फ्लेक्सिबल कपलिंग का एक इंपॉर्टेंट टाइप यूनिवर्सल कपलिंग। ओके, देन आर परमिसेबल विथ फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो इसमें आपको बताया जा रहा है फ्लेक्सिबल कपलिंग जो अलग एक होता है जो आपको नीमी बुक में दिया है, उसमें मैक्सिमम आप लोग कितना डिग्री एंगल में पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसमें एंगुलर मिसअलाइनमेंट मैक्सिमम 3 डिग्री तक हो सकता है। तो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, व्हिच कपलिंग कैन ट्रांसमिट पावर एट मैक्सिमम 3 डिग्री एंगल। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबल कपलिंग, मतलब फ्लेक्सिबल कपलिंग सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री मैक्सिमम एंगल में पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। बट इसमें आपको वही बोला है कि देन आर परमिसेबल विथ फ्लेक्सिबल कपलिंग, मतलब फ्लेक्सिबल कपलिंग जो स्पेशल एक फ्लेक्सिबल कपलिंग है, उससे भी ज़्यादा एंगल में, ज़्यादा डिग्री एंगल में हम लोग पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, शक्ति संचरित कर सकते हैं यूनिवर्सल कपलिंग का मदद से। ओके, तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा पूरा वीडियो देखिए, वीडियो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा डिस्कशन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं अपना बारे में कुछ बता रहा हूँ, मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ढूंढेंगे तो भी फिर से आपको ये सब चीज़ नहीं मिलेगा। आईटीआई का जितना भी चैनल है, कोर्स तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, आपको 1499 रुपये का कोर्स मिलेगा, 2000 रुपये का कोर्स मिलेगा, बट ये सब कॉन्टेंट जो देना चाहिए आपको मिलता ही नहीं है। ठीक है, कोर्स प्रोवाइड करना ठीक है, बट उसमें कोर्स में क्या है, प्रॉपर कंटेंट आपको प्रोवाइड करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट 2000 रुपया दे रहा है, उसमें आपको टोटल चीज़ को सिखाना है, मास्टर कोर्स अगर है, मास्टर कोर्स मतलब क्या, उस कोर्स का बारे में टोटल ईच एंड एवरीथिंग आपको बताना है, जो भी आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाता है उससे। ओके, इसमें बताया जा रहा है यूनिवर्सल ज्वाइंट को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल ज्वाइंट इज फॉर्म्ड बाय, तो कैसे बनता है, टू यू शेप योक हब, तो दो यू शेप का योक हब रहता है। ओके, उसको हम लोग जोड़ते हैं किसका मदद से, बाय ए क्रॉस शेप पीस, तो एक क्रॉस शेप एक पीस रहता है, उसका मदद से हम लोग दो यू शेप योक हब को जोड़ते हैं। तो क्रॉस शेप पीस को क्या बोलते हैं, ट्रूनियन क्रॉस बोलते हैं। ओके, और उसमें क्या रहता है, ट्रूनियन बियरिंग भी रहता है, ट्रूनियन बियरिंग का जगह क्या होता है, नीडल रोलर बियरिंग रहता है। वन फिटिंग इन ईच योक, मतलब एक एक नीडल रोलर बियरिंग या ट्रूनियन बियरिंग एक एक योक का आर्म में यूज होता है। तो टोटल कितना योक है आप देख सकते हैं, इसमें टू यू शेप, तो दो यू शेप का योक है। ओके, टोटल कितना आपका आर्म बनेगा, इधर दो आर्म है और इधर दो आर्म है, टोटल चार आर्म बनेगा। ठीक है, चार आर्म मतलब क्या, चार नीडल रोलर या ट्रूनियन बियरिंग आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपको डायग्राम का थ्रू बताता हूँ, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो इसका यूज थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, कहाँ पे यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल व्हीकल, मिलिंग मशीन टू ट्रांसमिट मोशन टू द टेबल, मतलब मिलिंग मशीन का टेबल में अगर मोशन को, गति को संचरित करना है तब हम लोग यूज़ करते हैं। यूज इन पेयर इन कार्डन शाफ्ट, कार्डन शाफ्ट में हम लोग इसको पेयर में यूज़ करते हैं, जोड़े में यूज़ करते हैं। वाइडली यूज ऑन रेयर व्हील ड्राइव व्हीकल प्रॉप शाफ्ट, मतलब जो आपका अलग अलग जो आपका फोर व्हीलर होता है, तो उसका रियर व्हील में आपको कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है, इसमें भी यूज़ होता है यूनिवर्सल कपलिंग। एग्रीकल्चर जो मशीनरी होता है, उसमें भी यूनिवर्सल कपलिंग यूज़ होता है। तो आपको डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसमें आपको टोटल चीज़ समझ में आ जाएगा। यू शेप योक मैं आपको बताया था, तो आप देख सकते यू शेप योक ए है। ओके, इसका कितना आर्म है, इसका दो आर्म है, कौन सा, ए वाला एक आर्म है और ए वाला एक आर्म है। ओके, और मैं आपको बताया था कि यूनिवर्सल कपलिंग करने के लिए दो यू शेप योक होता है, तो ए वाला एक है और दूसरा वाला ए है।
यूसेप योक है, तो इसका एक आर्म है और इसका एक आर्म है, टोटल चार आर्म है। तो इन दोनों को कैसे फिट करना पड़ेगा, दो योक हम योक हब को 90 डिग्री एंगल में फिट करना पड़ेगा, ठीक है, राइट एंगल में फिट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ऐसे इसको हॉरिजॉन्टल रखना पड़ेगा और इसे इसको वर्टिकल रखना पड़ेगा, तभी वो 90 डिग्री में क्या होगा, फिट होगा। तो 90 डिग्री में फिट करने के लिए आपको तो कुछ चीज़ का मदद लेना पड़ेगा, जैसे पिछला में मैं क्या बता रहा था, ओल्ड हैम में आपको यूज़ करना पड़ता था सेंट्रल डिस्क, जिसको आप लोग टंग बोल रहे हैं, तो उसमें क्या है रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन दोनों साइड में है, तो उसका मदद लेना पड़ रहा था। तो इसमें आप देख सकते हैं ट्रूनियन क्रॉस का यूज़ करना पड़ता है। तो ट्रूनियन क्रॉस में ये दो आर्म क्या होता है, इसमें लगता है, फिर से मैं आपको इरेज करके टोटल बताता हूँ, ध्यान से आप लोग देखिए, इसमें जो ये दो आर्म है एक कहाँ पे फिट होता है, इधर दो आर्म में फिट होता है, ये जो दो आर्म है इधर ये फिट होता है, ओके। इन दोनों को फिट करने के लिए हम लोग बियरिंग यूज़ करते हैं, बियरिंग का नाम क्या है, नीडल रोलर बियरिंग या ट्रूनियन बियरिंग जिसको कहते हैं, ओके। तो इसमें आपको और भी अच्छा से मैं आपको दिखाता हूँ, ड्राइविंग जॉइंट है, मतलब ड्राइविंग शाफ्ट है और ड्रिवन शाफ्ट है, ओके। इसमें आपको बोला है नीडल रोलर है, ये वाला सब नीडल रोलर है और ये ट्रूनियन क्रॉस है, ओके। और इसमें आपको क्या करना है, यूनिवर्सल जॉइंट आपको करना पड़ेगा, ये चीज़ समझ में आ गया, इसका बाद आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको क्या बोला था कि फ्लेक्सिबल कपलिंग है, एक फ्लेक्सिबल कपलिंग का टाइप है। फ्लेक्सिबल कपलिंग में इसमें क्या हो रहा है, जैसे ओल्ड हैम कपलिंग था तो उसमें दो शाफ्ट पैरेलल में जब रहेगा तब उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे ओल्ड हैम कपलिंग। और इसमें क्या है, इसमें एंगुलर मिस अलाइनमेंट है, क्योंकि ये शाफ्ट का ए एक्सिस है और ये शाफ्ट का ए एक्सिस है, तो एंगुलर मिस अलाइनमेंट में है। तो इसमें आप देख सकते हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग के यूज़ करके, ये जो कपलिंग है इसमें जो आपका ट्रूनियन जो क्रॉस दिया है उसमें ट्रूनियन बियरिंग का इस्तेमाल करके जो आप इसमें कपलिंग किया, इसमें क्या है 20 टू 30 डिग्री एंगल में पावर को ट्रांसमिट कर रहा, मतलब एक एट वेरी लार्जर एंगल में पॉजिटिव पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्योंकि ये एंगल आपको 20 टू 30 डिग्री का मिल रहा है, समझ में आ गया। तो ये तो मैं अभी आपको 2D में बताया हूँ, 3D में आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। इस 3D डायग्राम देख के आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा जो मैं थ्योरी में आपको बताया हूँ। इसमें दो यू शेप योक हब यूज़ होता है और दो यू शेप योक हब को जोड़ने के लिए बीच में हम लोग ट्रूनियन क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। दो यू शेप योक हब का दो दो आर्म है, टोटल चार आर्म है, चार आर्म जो आपका ट्रूनियन क्रॉस है उसमें जोड़ने के लिए बीच में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रूनियन बियरिंग यूज़ करते हैं, जिसमें नीडल रोलर बियरिंग इस्तेमाल होता है। पूरा चीज़ समझ में आ रहा है, और एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको क्या बताया था कि शाफ्ट का बीच में लार्जर एंगल में 20 टू 30 डिग्री एंगल में जब पॉजिटिव पावर ट्रांसमिशन करना पड़ेगा तब इस कपलिंग का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोग कोई भी फोर व्हीलर देखे, ट्रैक्टर देखे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो आपका रेयर व्हील होता है, रेयर व्हील का साथ आपको एक्सेल का कनेक्ट करने के लिए, आपका जो स्टीयरिंग को कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, उसका बीच में हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोग जो भी फोर व्हीलर है उसका अगर नीचे अगर आप लोग देखते हैं, या ट्रैक्टर है उसमें अगर आप लोग देखते हैं, इस टाइप का जॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ये यूनिवर्सल कपलिंग है, ओके। इसमें आप देख सकते हैं इसमें कितना हम लोग यूज़ कर रहे हैं यूनिवर्सल कपलिंग, इसमें आप देख सकते हैं टोटल दो जॉइंट है, ठीक है। तो डबल हुक जॉइंट या डबल कपलिंग, डबल यूनिवर्सल कपलिंग कहते हैं। इसमें ऊपर में एक है और नीचे इधर एक है, इसमें भी आप देख सकते हैं एंगल में क्या कर रहा है, पॉजिटिव पावर ट्रांसमिशन कर रहा है, ओके। और इसमें दो यूनिवर्सल कपलिंग है इसीलिए इसका डबल हुक जॉइंट कहते हैं, समझ में आ गया है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल कपलिंग कितना डिग्री एंगल में मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, 20 से 30 डिग्री में। और जो फ्लेक्सिबल कपलिंग है, जो नॉर्मल फ्लेक्सिबल कपलिंग हम लोग बताया है पहले, तो कितना डिग्री एंगल में मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, 3 डिग्री एंगल में मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, ओके। इसका बाद नेक्स्ट फ्लूइड कपलिंग। क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बताया था कपलिंग मेनली टू टाइप का होता है, एक होता है रिजिड कपलिंग, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल कपलिंग, और एक टाइप होता है फ्लूइड कपलिंग। तो फ्लूइड कपलिंग के बारे में मैं आपको बताऊँगा, उसका बाद और भी फ्लेक्सिबल कपलिंग का टाइप्स है, उसका भी डिटेल डिस्कशन मैं इस वीडियो में आपको करूंगा। तो आपको पूरा वीडियो देखना है क्योंकि उस टॉपिक से भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो कपलिंग का जो एक अलग टाइप होता है फ्लूइड कपलिंग,
फ्लूइड मतलब आप लोगों को पता चलता है, इसमें फ्लूइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फ्लूइड के हिसाब से हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये फ्लूइड कपलिंग और हाइड्रोलिक कपलिंग इज ए हाइड्रोडायनामिक और हाइड्रोकाइनेटिक डिवाइस यूज टू ट्रांसमिट रोटेटिंग मैकेनिकल पावर। तो इसमें आपको क्या पता चलता है, फ्लूइड कपलिंग का दूसरा नाम है हाइड्रोलिक कपलिंग। एक हाइड्रोडायनामिक या हाइड्रोकाइनेटिक डिवाइस होता है जिसका मदद से हम लोग रोटेटिंग मैकेनिकल पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इतना देर से तो हम लोग वही कर रहे थे कि हम लोग रोटेटिंग मैकेनिकल जो पावर है उसको एक जगह से दूसरा जगह में हम लोग ट्रांसमिट कर रहे थे। तो इसमें भी सेम टू सेम है, बट इसमें फ्लूइड कपलिंग का इस्तेमाल करके हम लोग करते हैं। ओके, कैसा प्रोसेस होता है इसमें आपको बताया जा रहा है। इट हैज़ बीन यूज इन ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन एज एन ऑल्टरनेटिव टू ए मैकेनिकल क्लच। मतलब ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन में, ऑटोमोबाइल में जो आपका मैकेनिकल क्लच होता है उसका जगह में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑल्टरनेटिव का हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्लच का मतलब क्या होता है, क्लच का मतलब होता है अगर आप लोग क्लच पकड़ते हैं उसके बाद धीरे धीरे क्लच को छोड़ते हैं तो गाड़ी क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ओके, और इसमें भी सेम टू सेम होता है फ्लूइड कपलिंग में भी। तो फ्लूइड कपलिंग में क्या होता है, धीरे धीरे हो वो सॉफ्ट स्टार्ट होता है, मतलब धीरे धीरे वो होता है। अगर आप लोग क्लच को तेज छोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें जर्क होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वो जर्क वगैरह नहीं होता है। क्लच जब भी आप लोग धीरे धीरे छोड़ेंगे और क्या होगा, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगा, उसमें सॉफ्ट आपको स्टार्ट होता है। वैसे सेम फ्लूइड कपलिंग में क्या होगा, फ्लूइड कपलिंग में आप लोगों को बहुत ही सॉफ्ट स्टार्ट देखने को मिलता है, मतलब बहुत ही धीरे धीरे प्रोसेस उसका स्टार्ट होता है। पावर ट्रांसमिशन जब भी होगा तो धीरे धीरे उसका पावर ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है। ओके, बेस्ड ऑन बोथ कपलिंग हब हैविंग वेंस विद इन ए हाउस केज कंटेनिंग विस्कस फ्लूइड व्हिच रोटेट्स विद ड्राइविंग शाफ्ट। इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, एक कपलिंग का दो हब होता है, दो पार्ट होता है। ये जो फ्लूइड कपलिंग है इसका दो पार्ट होता है। ओके, और इस पार्ट में क्या होता है, इसका जो टोटल पार्ट है तो उसको तो लास्ट में हम लोग जोड़ते हैं। तो ये जो हाउसिंग होता है उसका हाउसिंग में इस पार्ट में क्या होता है, वैन रहता है, मतलब उसमें कैविटी रहता है, उसमें गैप रहता है। उसमें आपको क्या डालना पड़ता है, विस्कस फ्लूइड, उसमें आपका विस्कस फ्लूइड रहता है। ओके, इसीलिए फ्लूइड हम लोग यूज़ करते हैं पावर ट्रांसमिशन करने के लिए, तो इसीलिए इसका नाम है फ्लूइड कपलिंग। तो फ्लूइड हम लोग यूज़ करते हैं विस्कस फ्लूइड, वो क्या करता है, व्हिच रोटेट्स विद द ड्राइविंग शाफ्ट। मतलब जब ड्राइविंग शाफ्ट, एक्चुअली पावर कहाँ से जनरेट होता है, ड्राइविंग शाफ्ट से पावर जनरेट होता है। उसके बाद इधर जो एक पार्ट है, इधर जो एक पार्ट होगा आपका कपलिंग का, उसमें क्या होगा, उसमें आपका विस्कस फ्लूइड होगा। और ये ड्राइविंग शाफ्ट जब भी घूमेगा और ये विस्कस फ्लूइड को भी धीरे धीरे घुमाएगा, ठीक है, समझ में आ गया है, और भी अच्छा से क्लियर करूँगा। नेक्स्ट क्या बोला है, द रोटेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन साइड ड्राइविंग टू द अदर सेकेंडरी वाया विस्कस फ्लूइड। तो इसमें एक्चुअली पावर कहाँ जनरेट हो रहा था, ड्राइविंग शाफ्ट में पावर जनरेट हो रहा था। इसका बाद इसका जो कपलिंग का जो हाफ पार्ट है, इसमें आपका विस्कस फ्लूइड है, इसका जो गैप है या कैविटी है जिसको आप लोग वेंस कह रहे हैं, इसमें इस जगह में विस्कस फ्लूइड है। तो जब भी ये ड्राइविंग शाफ्ट घूमता है, ठीक है, ड्राइविंग शाफ्ट जब भी ये घूमेगा तब क्या होगा, वेट कीजिए, ये घूम रहा है तो ये ड्राइविंग शाफ्ट एक विस्कस फ्लूइड को भी धीरे धीरे घुमाएगा। तो धीरे धीरे जब भी घुमाएगा उसका बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आप लोग नाम सुने हैं, तो अगर नाम नहीं सुने हैं तो आप लोगों का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट मेरा यूट्यूब पे जितना भी वीडियो मैंने डाला हूँ आप लोग देखा नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा जितना भी मेरा यूट्यूब चैनल पर वीडियो है, साइंस मैथ जितना भी है, आप लोग देख लीजिए। उसमें मैं बहुत ही अच्छे से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रिपेटल फोर्स के बारे में क्लियर किया हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, जो फ्लूइड है ऑलवेज क्या करता है, उसका सेंटर का तरफ बाहर जाने का कोशिश करता है, बाहर ऑलवेज जाने का कोशिश करता है, ठीक है। और ये जो इधर जो ऑयल है ऑलवेज क्या करता है, वो बाहर जाने का कोशिश करता है, वो छिड़कने का कोशिश करता है, मतलब स्प्रेड होने का वो मकसद रखते हैं। जब ये ड्राइविंग शाफ्ट घूमेगा, ये ऑयल भी धीरे धीरे घूमेगा, इतना स्पीड में घूमेगा लास्ट में, तब क्या होगा, ऑयल भी छिड़कने का कोशिश करेगा, मतलब वो स्प्रेड हो जाएगा। ओके, तो जब भी स्प्रेड होगा तो कहाँ पे आएगा, कपलिंग का जो दूसरा जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में भी ऐसे आपका क्या रहेगा, इसमें भी आपका पार्ट रहेगा, तो ये ऑयल इधर आएगा, ठीक है। ऑयल जब भी इधर आएगा तो ये जो आपका व्हील रहेगा इस व्हील को भी घुमाएगा, और ये जो व्हील घूमेगा इसके बाद जो शाफ्ट है वो शाफ्ट भी घूमेगा, तो पावर तो ट्रांसमिट हो रहा है। देखो बेसिक फंडा सेम है, कैसे पावर ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो जब भी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा और भी अच्छा सबको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या बोला है,
इसमें आपको वही बोला कि बेस्ड ऑन द बोथ कपलिंग हब हैविंग वेन विद इन ए हाउस कंटेनिंग विस्कस फ्लूइड व्हिच रोटेट्स द ड्राइविंग शाफ्ट को रोटेट करता जो विस्कस फ्लूइड आपका रहता है जो ड्राइविंग शाफ्ट है वो विस्कस फ्लूइड को रोटेट करता है। द रोटेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन साइड, मतलब रोटेटिंग क्या होता है ड्राइविंग साइड से सेकेंडरी साइड मतलब ड्रिवन साइड में जाता है वाया विस्कस फ्लूइड का मदद से। द कपलिंग प्रोवाइड्स ए सॉफ्ट स्टार्ट, इसमें क्या होता है बहुत ही धीरे धीरे स्टार्ट होता है, मैं आपको पहले बताया हूँ। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाता है व्हिच कपलिंग प्रोवाइड्स ए सॉफ्ट स्टार्ट, मतलब धीरे धीरे कौन सा कपलिंग स्टार्ट होता है। क्लच क्या होता है धीरे धीरे होता है, वैसे क्लच का जगह में हम लोग जब यूज करेंगे इस कपलिंग को फ्लूइड कपलिंग को तो ये क्या होगा सॉफ्ट स्टार्ट आपको देखने को मिलेगा। इट ऑल्सो हैज वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन इन मैरीन एंड इंडस्ट्रियल मशीन डिवाइसेस व्हेयर रिलायबल स्पीड ऑपरेशन एंड कंट्रोल स्टार्टअप विदाउट शॉक लोडिंग ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इज एसेंशियल। तो इसमें आपको बोला है मेरीन, इसके बाद इंडस्ट्रियल मशीन डिवाइस, तो ये सब जगह में आपका जहाँ पे बोला व्हेयर रिलायबल स्पीड ओरिएंटेशन या कंट्रोल स्टार्टअप, मतलब जहाँ पे आपको स्टार्टअप क्या करना पड़ेगा बहुत ही कंट्रोल का साथ करना पड़ेगा, मतलब धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा, सॉफ्ट एकदम स्टार्ट देना पड़ेगा जहाँ पे कोई भी जर्किंग वगैरह नहीं रहेगा। क्लच में क्या होता है अगर जब लोग क्लच छोड़ देते तो वो जर्क होता है, लेकिन फ्लूइड कपलिंग में क्या होगा धीरे धीरे होता है इसलिए वो जर्क नहीं होता, इसलिए विदाउट शॉक लोडिंग आपको पावर ट्रांसमिशन इसमें देखने को मिलता है। तो थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया, आधा आपको समझ में आया है आधा समझ में नहीं आया, अभी आपको मैं 100% समझा देता हूँ। ये डायग्राम देख के आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बेसिक जो आपको देखना है ये आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, ये इम्पेलर व्हील है और इसमें टर्बाइन व्हील है इसमें आप देख सकते हैं ये जो जगह है ये जगह में क्या होगा आपका इनपुट शाफ्ट रहेगा मतलब ड्राइविंग शाफ्ट रहेगा और इधर ड्रिवन शाफ्ट इधर रहेगा, और ये जो कैविटी है इसमें इम्पेलर व्हील है आप देख सकते बीच में, और इस जगह में क्या रहेगा ये जो वेंस है उसमें आपका विस्कस फ्लूइड रहेगा इसमें क्या होता है इसमें आप लोग की दे के जोड़ दीजिए, की आपको देना ही पड़ेगा शाफ्ट का साथ आपका इम्पेलर व्हील का और टर्बाइन का जोड़ने के लिए तो इसमें जो आपका विस्कस फ्लूइड इधर रहेगा तो इधर धीरे धीरे क्या होगा ये जो आपका शाफ्ट है शाफ्ट घूमेगा क्योंकि इधर से पावर आपको जनरेट हो रहा है, और शाफ्ट जब भी घूमेगा ये व्हील भी आपका घूमेगा, इसका अंदर आपका क्या है ये देखो ये आउटर पोर्शन है, अगर आप लोग देखते हैं एक्चुअली ये आउटर पोर्शन है उसका अंदर आपका इम्पेलर व्हील दिया है तो व्हील क्या होगा धीरे धीरे घूमेगा, उसका अंदर तो लिक्विड है तो विस्कस फ्लूइड भी आपका धीरे धीरे घूमेगा, धीरे धीरे स्पीड जब भी बढ़ेगा ड्राइविंग शाफ्ट का तो उसका भी क्या होगा उतना तेज में वो घूमेगा विस्कस फ्लूइड, तो क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बाहर छिड़कने का कोशिश करेगा बाहर जाने का कोशिश करेगा, तो बाहर जब भी जाएगा ऐसे वो बाहर आके क्या होगा आप देख सकते हो जो पीला कलर का है ऐसे बाहर आके क्या होगा इस टर्बाइन व्हील में आ जाएगा, तो ये क्या हो रहा है ऐसे तो घूमते हुए आएगा तो इसको भी घुमाएगा टर्बाइन व्हील को भी घुमाएगा, तो टर्बाइन व्हील को जब भी घुमाएगा तो इसमें तो शाफ्ट कनेक्टेड है तो शाफ्ट भी घूमेगा तो पावर ट्रांसमिशन तो हो रहा है, समझ में आ गया ना। आपका प्रिंसिपल जो फंडा है वो सेम है, इसमें आप देख सकते हैं ये एक्चुअली अब जो आप लोग देख रहे हैं ये आपका हाउसिंग है उसका अंदर क्या इम्पेलर व्हील है उसमें क्या देना पड़ेगा वो जो गैप है उसमें आपको विस्कस जो फ्लूइड है ये जो फ्लूइड है इधर रहता है तो जब भी ड्राइविंग शाफ्ट क्या होता है धीरे धीरे घूमता है तो धीरे धीरे क्या होगा धीरे धीरे घूमेगा ये व्हील भी घूमेगा विस्कस फ्लूइड भी घूमेगा, धीरे धीरे जब स्पीड बढ़ेगा ड्राइविंग शाफ्ट का विस्कस फ्लूइड के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बाहर जाएगा सेंटर से दूर भागने का कोशिश करेगा, तो जब भी कोशिश करेगा ऐसे ही फ्लूइड भी वैसे घूमते हुए इधर आएगा और ये जो व्हील है टर्बाइन व्हील को भी वैसे इधर घुमाएगा और ये जो घुमाएगा धीरे धीरे घुमाएगा क्योंकि एक बार में तो उतना हम लोग तो धीरे धीरे ड्राइविंग शाफ्ट का स्पीड बढ़ाएंगे और धीरे धीरे क्या आएगा वो छिड़केगा इधर धीरे धीरे फ्लूइड भी धीरे धीरे इधर छिड़केगा मतलब धीरे धीरे टर्बाइन व्हील रोटेट होगा, तब जब भी इस ड्राइविंग शाफ्ट का जब भी स्पीड बढ़ेगा उसका बाद ये जो फ्लूइड है वो भी तेज आएगा और उसका बाद और भी तेज इसको धीरे धीरे घुमाएगा, मतलब ये जो एक्चुअली होता है पावर ट्रांसमिशन वो बहुत ही सॉफ्ट होता है मतलब धीरे धीरे एकदम स्टार्ट होता है, समझ में आ गया। इसके बाद आपको इसमें देखने का कुछ नहीं है, ये इम्पेलर व्हील है ये टर्बाइन व्हील है, इसमें इनपुट शाफ्ट आप देख सकते हैं आउटपुट शाफ्ट आप देख सकते हैं फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन, तो फ्लूइड आपका जो व्हील है उसका बीच में आपका फ्लूइड है और बाकी चीज़ आपको देखना नहीं है, सब बाकी मैं आपको समझा दिया हूँ। नेक्स्ट गियर कपलिंग,
इसमें कपलिंग के लिए आपको गियर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि मजादार टॉपिक है, इसमें आपको कभी गियर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कभी आपको टायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कभी अभी तो मैं आपको बताया हूँ फ्लूइड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका प्रिंसिपल सेम है, बट इसमें आपको गियर यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। गियर कपलिंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फ्लेक्सिबल कपलिंग दैट आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग वेरी हाई टॉर्क एट हाई स्पीड। गियर कपलिंग फ्लेक्सिबल कपलिंग का कैटेगरी का अंदर आता है, मतलब फ्लेक्सिबल कपलिंग का एक टाइप होता है जो हाई स्पीड में हाई वेरी हाई टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जब पिछला क्लास में मैं आपको बताया था स्लिप और मास कपलिंग जो होता है वो भी हाई टॉर्क को हाई स्पीड में ट्रांसमिट कर सकते हैं, ओके, बट इसमें वेरी हाई टॉर्क बोला है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टॉर्क को हम लोग हाई स्पीड में ट्रांसमिट करने के लिए गियर कपलिंग का यूज़ करते हैं, ओके। इसमें आपको बोला है कॉन्स्ट्रक्शनली द गियर कपलिंग यूटिलाइजेस द एडवांटेजेस ऑफ गियर इंजीनियरिंग, मतलब अगर इसका कॉन्स्ट्रक्शन देखते हैं तो गियर कपलिंग कैसे बनता है, जो गियर इंजीनियरिंग में हम लोग जो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं सेम टू सेम उसका एडवांटेज सुविधा लेके इसका कॉन्स्ट्रक्शन गियर कपलिंग का कॉन्स्ट्रक्शन किया गया है। प्रैक्टिकली द कपलिंग इज़ ए कम्प्लीट गियर असेंबली, तो अगर आप लोग प्रैक्टिकल देखते हैं तो ये गियर कपलिंग टोटली एक गियर असेंबली है, ओके। तो ये जो गियर कपलिंग है कम्प्लीट गियर असेंबली है। जैसे गियर में आप लोग का पावर ट्रांसमिट होता है, उसमें क्या होता है आप लोग का कोई भी स्मॉल डिस्टेंस में हम लोग ज़्यादा टॉर्क को ट्रांसमिट कर सकते हैं, और इसमें स्लिप फ्री ड्राइव आपको मिलता है, मतलब इसमें स्लिप आपको नहीं देखने को मिलता है। बोथ कपलिंग हब हैव ए रेज्ड रिम मैसिड एज एन एक्सटर्नल गियर, तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें दो कपल हब रहता है, दो हब का क्या रहता है उसमें रेज्ड रिम रहता है, मतलब उसमें कुछ पोर्शन ऊंचा हुआ रहता है जिसमें एक्सटर्नल गियर रहता है, ओके। इसमें इस गियर में दो हब हैं, इसमें आपका एक्सटर्नल टीथ है और इस हब में भी एक्सटर्नल टीथ है, और इसका ऊपर क्या रहता है स्लीव रहता है, द स्लीव व्हिच कपल्स द टू शाफ्ट, जो स्लीव है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग दोनों शाफ्ट को जोड़ सकते हैं, कंप्राइजेस टू हब बोल्टेड टुगेदर, इसमें क्या करता है इसमें दो हब को क्या करता है एक साथ बोल्ट कर देता है। एक्चुअली देखो ये जो हब है हब का साथ क्या होता है शाफ्ट मैच करता है, और इस ए भी हब का साथ शाफ्ट मैच करता है, ओके। इसका बाद क्या होता है इसके ऊपर हम लोग स्लीव लगाते हैं, और स्लीव लगा के दोनों हब को हम लोग क्या करते हैं लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी लॉक हो जाएगा तब क्या होगा पावर आप लोग ट्रांसमिट कर सकते क्योंकि दोनों शाफ्ट कनेक्ट हो जाएगा इसमें। इसमें वही बताया है द स्लीव व्हिच कपल्स द टू शाफ्ट, जो स्लीव दो शाफ्ट को जोड़ते हैं, कंप्राइजेस टू हब्स बोल्टेड टुगेदर, मतलब इसमें दो हब को बोल्टिंग करके हम लोग जोड़ते हैं। ईच हब हैविंग ए मैसिन इंटरनल गियर, मतलब इसमें ईच हब जो है इसमें हब का नहीं बात किया, जो स्लीव है तो स्लीव का भी क्या है उसका दो पार्ट है, दो स्लीव इसमें है, ठीक है। उसमें आप लोग का क्या है उसमें इंटरनल गियर है, तो देखो जो हब है हब पोर्शन में क्या एक्सटर्नल टीथ है, और जो स्लीव है उसके ऊपर स्लीव लगेगा उसमें क्या इंटरनल टीथ है, तो एक्सटर्नल के साथ इंटरनल टीथ जब भी मैच करेगा एक साथ मैचिंग करेगा तब क्या होगा उसमें तो पावर ट्रांसमिशन होगा। तो द कपलिंग रिक्वायर्स लुब्रिकेशन, इसमें आपको लुब्रिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि गियर है तो आप लोग को लुब्रिकेशन करना चाहिए, क्योंकि हाई स्पीड में हाई टॉर्क जब भी ट्रांसमिट करेगा उसमें आप लोग का लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करेंगे तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। उसमें आपको लुब्रिकेंट का हिसाब से सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट यूज़ करना पड़ेगा, ग्रीस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिस कपलिंग इज़ कैपेबल हाई स्पीड एंड हाई पावर कैपेसिटी, तो इसमें हाई स्पीड में हाई पावर ट्रांसमिट आप लोग कर सकते हैं। इसका बाद मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते दो हब हैं, ये दो हब HUB आपको समझ में आना चाहिए, ओके। इसमें एक्सटर्नल टीथ है, मैं आपको पहले ही बताया हूँ, और इस हब में क्या जाएगा इसमें ड्राइविंग सब जाएगा, इसमें ड्रिवन सब जाएगा। इसमें आप देख सकते की हुए हैं, तो की देखे इन दोनों ड्राइविंग और ड्रिवन सब को जोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या है इसका ऊपर आप देखिए, इसका ऊपर जो एक पार्ट है ये स्लीव है, ठीक है। तो स्लीव लगा के हम लोग क्या करते हैं स्लीव का अंदर क्या है, स्लीव के अंदर इंटरनल थ्रेड है, और हब का ऊपर क्या एक्सटर्नल थ्रेड है, तो इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेड उसमें मैश करेगा, ओके। और इसमें हम लोग क्या किया
स्लीप का मदद से हम लोग दोनों हाफ को एच यू बी हाफ को जोड़ दिए हैं। तो कैसे पावर ट्रांसमिट होगा मैं फिर से आपको बताता हूँ। इधर जो आपका शाफ्ट रहेगा ड्राइविंग शाफ्ट घूमेगा तो इसको भी घुमाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या है, ये इसका साथ कनेक्टेड है, स्लीप का साथ कनेक्टेड है। स्लीप का इंटरनल पार्ट मतलब इंटरनल थ्रेड का साथ जब भी मैच करेगा तो क्या होगा, ए स्लीप और ए स्लीप को तो हम लोग जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ए स्लीप की क्या करेगा, इसको भी इस इंटर एक्सटर्नल थ्रेड का साथ मैच करेगा, क्योंकि इस स्लीप में भी आपका इंटरनल थ्रेड है। जब भी मैच करके ये तो घूमेगा और इसका ड्रिवन शाफ्ट भी घूमेगा, ठीक है। तो इसमें आपको और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं स्लीप का दो पार्ट है, इसमें दो पार्ट है, दो पार्ट को हम लोग जोड़ दिए हैं, ओके। और ये जो पोर्शन है आप देख सकते हैं दो स्लीप है ना, और दो हाफ को जोड़ने के लिए दो स्लीप है, तो दो स्लीप को हम लोग नाट बोल्ट का थ्रू जोड़ दिए हैं। और जो प्रिंसिपल मैं आपको बताया, आप देख सकते हैं ये बोर्ड है, ये इंटरनल गियर है स्लीप में, और हाफ में आप देख सकते हैं जो हाफ है हाफ में एक्सटर्नल गियर टीथ है। कैसे हो रहा है पावर ट्रांसमिशन मैं आपको बता दिया हूँ, समझ में आ गया। तो गियर कपलिंग भी आपको समझ में आ गया। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि ऐसा कोई भी चीज़ इस क्लास में नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए, सब चीज़ समझ में आएगा। इसके बाद स्पाइडर कपलिंग। तो स्पाइडर कपलिंग क्या होता है, बोथ हाफ ऑफ द कपलिंग, मतलब कपलिंग का दो पार्ट होता है, एक हाफ और दूसरा हाफ। इसमें हाफ का बात क्या है, ठीक है, हैव थ्री स्पेस्ड लग, इसमें थ्री स्पेस लग रहता है, मतलब इस टाइप का थ्री इसमें लेग होता है, ठीक है। दोनों कपलिंग में, कपलिंग का दोनों हाफ में होता है, मतलब इसमें भी होता है इसमें भी होता है। व्हेन द कपलिंग हाफ्स आर फिटेड टुगेदर, जब दो हाफ को हम लोग क्या करेंगे उसमें फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, द लग्स ऑन वन हाफ इज फिटेड इनसाइड द स्पेसेस बिटवीन द लग्स ऑन द अदर साइड। तो इसमें तीन आपका लेग है और दूसरा जो आपका हाफ है मतलब दूसरा जो आधा पार्ट है उसमें भी तीन लेग है। तो जब भी इसको फिट करेंगे तो उसका तीन लेग का गैप, बीच में जो गैप है उसका बीच में ये भी फिट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि तीन तीन लेग है तो उन दोनों का बीच में जो भी गैप है उसमें दूसरा लेग क्या होगा, दूसरा हाफ का लेग उसमें कनेक्ट होगा, ओके। इसमें बोल रहा है ए रबर इंसर्टेड विथ सिक्स लेग्स फिट्स विद इन द स्पेसेस बिटवीन द लग, मतलब ये लग का बीच में भी जो स्पेस रहेगा उसमें हम लोग एक रबर इंसर्ट, रबर का एक अलग से इंसर्ट हम लोग पुट करते हैं। रबर इंसर्ट में कितना लेग रहता है, सिक्स लेग रहता है, ओके। द ड्राइव इज बाय द लग्स ट्रांसमिटिंग द टॉर्क थ्रू द रबर स्पाइडर स्पेसर, ठीक है। इसमें क्या बोला है आपको, इसमें बोला है जो आपका हाफ पार्ट है उसमें क्या थ्री आपका लग है, ओके। उसमें उसका साथ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, रबर इंसर्ट आपको यूज करना पड़ेगा जिसका सिक्स लेग रहेगा। उसके बाद दूसरा जो आपका हाफ है मतलब आधा जो पार्ट है उसमें भी तीन लेग है, इसका ऊपर इसको जोड़ देना है, ओके। तो उसमें पार्ट ट्रांसमिशन कैसे होगा मैं आपको डायग्राम का थ्रू बताता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले इसको देखना है, इसमें क्या रहेगा, तीन लेग रहेगा, इसमें भी तीन लेग है। तो ये कपलिंग का आधा पार्ट ए है और ए वाला आधा पार्ट है, ओके। इसका बीच में आप देख सकते हैं हम लोग छः लेग वाला हम लोग एक स्पेसर यूज करेंगे, ओके। तो इस एक क्या होगा, इसका बीच में जाएगा और एक क्या होगा फिर उसका बीच, इसका बीच में आएगा। तो तीनों के एक साथ हम लोग कपल करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं टोटल जुड़ा हुआ है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसका तीन लेग है, इसका भी तीन लेग है। इसके बाद इस स्पेसर को हम लोग इसमें लगाते हैं और इसका बीच में जो गैप रहेगा ये तीन लेग इसमें आके फिट हो जाता है, ओके। और पावर ट्रांसमिट करता है। फिर से आपको बता दो कैसे होता है, इसमें ड्राइवर शाफ्ट मैच होता है, इसमें की का इस्तेमाल करके हम लोग इसमें फिक्स करते हैं। तो ड्राइवर सब जब भी घूमता तो ये भी घूमता है और उसका बीच में क्या है स्पेसर हम लोग लगा, रबर इंसर्ट हम लोग लगाया है, तो भी क्या करेगा वो इस ये जो पार्ट है ये आधा पार्ट को भी घुमाने का कोशिश करेगा। जब घूमेगा तो ड्रिवन सब भी घूमेगा, पावर ट्रांसमिट हो जाएगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट टायर कपलिंग। इससे पहले मैं डिस्कशन किया हूँ और भी कपलिंग के बारे में, जिसमें मैं आपको बताया हूँ जिसमें हम स्लीप का इस्तेमाल करते उसको स्लीप कपलिंग कहते हैं, जिसमें फ्लूइड का इस्तेमाल करते उसको फ्लूइड कपलिंग कहते हैं, जिसमें हम लोग गियर का इस्तेमाल करते उसको गियर कपलिंग कहते हैं। ऐसे इस कपलिंग में हम लोग टायर का इस्तेमाल करते, इसलिए इस कपलिंग का नाम है टायर कपलिंग, ठीक है। तो इसमें बोला टायर कपलिंग इज ए फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ कपलिंग, मतलब टायर कपलिंग फ्लेक्सिबल कपलिंग का एक टाइप होता है, ओके। फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या होता है मैं आपको बताया हूँ, तो टायर कपलिंग भी इसका एक टाइप होता है, एक प्रकार होता है। टायर कपलिंग डिवाइस
इज यूज टू रिड्यूस वाइब्रेशन इन इंजिन। तो टायर कपलिंग डिवाइस हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, इंजिन का वाइब्रेशन को कम करने के लिए, जो भी वाइब्रेशन होता है, आवाज़ होता है, उसको कम करते हैं एंड रिड्यूसेस द टॉर्क ऑसिलेशन, टॉर्क ऑसिलेशन को कम करते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस डिफरेंट वर्सन। तो ये डिफरेंट वर्सन में अवेलेबल होता है, जैसे एफ और एच, जस्ट दो टाइप आपको बताया है कि दो टाइप का टायर कपलिंग होता है, जैसे एफ होता है और एच टाइप टायर कपलिंग होता है। इट इज़ एप्लीकेबल इन कंप्रेसर पंप और ब्लोअर। तो टायर कपलिंग का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, कंप्रेसर पंप और ब्लोअर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका बाद जब भी आप डायग्राम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक हब है ओके, और ये भी एक हब है, और इसमें एक क्या है, टायर है। टायर का बीच में आप देख सकते हैं आपको क्या है, उसमें आपको होल दिया है, उसमें इंटरनल थ्रेड है। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं ये जो है, इसको बोलते हैं क्लैंप रिंग, CLAMP, क्लैंप रिंग। इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं इस कपलिंग को असेंबल करने के लिए। तो आप देख सकते हैं बीच में एक टायर रहेगा, टायर का बीच में ऐसी होल बने रहेगा, उसमें इंटरनल थ्रेड रहेगा, इधर एक हब एक हब, उसका बीच में, दोनों हब का बीच में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लैंप रिंग इस्तेमाल करेंगे। क्लैंप रिंग में भी इंटरनल थ्रेड होता है, और इसका बाद इधर से हम लोग स्क्रू यूज़ करेंगे। स्क्रू का मदद से हम लोग क्या करेंगे, क्लैंप रिंग और टायर को हम लोग फास्टनिंग कर देंगे, और इधर से भी हम लोग स्क्रू का मदद से क्लैंप रिंग और टायर को फास्टनिंग कर देंगे ओके। क्योंकि ये स्क्रू है तो इसमें इंटरनल थ्रेड जब है तो उसको हम लोग तो पकड़ सकते हैं, फास्टन तो हम लोग कर सकते हैं ओके। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्राइवर शाफ्ट इसमें हम लोग डालते हैं हब में, और इसमें भी ड्रिवन शाफ्ट डालते हैं, और उसको फिक्स करने के लिए, सब दोनों को फिक्स करने के लिए की का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इसमें आपको समझ में आ गया, तो कैसे पावर ट्रांसमिट इसमें होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो इधर ड्राइवर शाफ्ट, ड्राइवर शाफ्ट में जब भी पावर जनरेट होता है वो क्या करता है, वो भी घूमता है ओके। और वो जब घूमेगा तो ये तो एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तीनों चीज़ तो जुड़ा हुआ जब भी रहेगा, तो ये भी घूमेगा, हाफ भी घूमेगा, मेटल रिंग भी घूमेगा, टायर भी घूमेगा। तो टायर जब इधर घूमेगा तो मेटल रिंग भी इस साइड घूमेगा, क्योंकि इसमें आप लोग स्क्रू देके उसको फास्टनिंग कर देंगे। मेटल रिंग जब घूमेगा तो ये वाला हाफ भी घूमेगा, हाफ जब घूमेगा तब ड्रिवन शाफ्ट भी घूमेगा। समझ में आ गया टायर कपलिंग क्या होता है, बहुत सिंपल चीज़ है। इसका बाद नेक्स्ट टॉपिक ग्रिड कपलिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्प्रिंग कपलिंग, रेजिलेंट ग्रिड कपलिंग और बीबी कपलिंग। ग्रिड कपलिंग को और भी तीन नाम में हम लोग जानते हैं, सबसे पहला स्प्रिंग कपलिंग, दूसरा रेजिलेंट ग्रिड कपलिंग और तीसरा बीबी कपलिंग ओके। इट इज़ वन टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल कपलिंग, ये एक प्रकार का फ्लेक्सिबल कपलिंग है ओके। तो हम डिस्कस कर रहे थे फ्लेक्सिबल कपलिंग का टाइप्स, तो इसमें ग्रिड कपलिंग एक प्रकार होता है, एक टाइप होता है। मेटल कपलिंग दैट प्रोवाइड्स पॉजिटिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ शॉक लोड एंड वाइब्रेशन। तो एक मेटल कपलिंग होता है जिसमें शॉक लोड, वाइब्रेशन और इम्पैक्ट लोड से आप लोगों को बचाने के लिए, शाफ्ट को बचाने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ता, ग्रिड कपलिंग का इस्तेमाल करना पड़ता। प्रॉपर लुब्रिकेशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन, तो इसके लिए प्रॉपर लुब्रिकेशन आपको यूज़ करना पड़ता। तो सेमी सॉलिड लुब्रिकेट इसमें यूज होता है, ग्रीज इसमें यूज होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, एंड ओवर हीटिंग मतलब ओवर हीट को भी कम करने के लिए ओके। व्हिच में कॉज कपलिंग फेलियर, अगर हम लोग लुब्रिकेट नहीं यूज़ करते तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, हीट भी ज़्यादा होते जाएगा, कपलिंग को क्या करेगा, धीरे धीरे डैमेज कर देता है, इसलिए लुब्रिकेट यूज़ करना इसमें मैंडेटरी है। इसमें जो हब रहता है, दो हब इसमें रहता है ओके, एक हब और दूसरा हब, ये बनता है कार्बन स्टील से। कवर, इसके ऊपर हम लोग कवर चढ़ाते हैं जो एल्यूमिनियम एलॉय से बनते हैं, और दो एल्यूमिनियम एलॉय का जो प्लेट होता है उसका बीच में हम लोग गैसकेट भी यूज़ करते हैं। जो स्प्रिंग इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या बताया, शॉक लोड, वाइब्रेशन, इम्पैक्ट लोड को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं, तभी क्या होता, तो तभी ये पॉजिटिव प्रोटेक्शन दे सकते हैं कपलिंग को ओके। तो एब्जॉर्ब करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, स्प्रिंग का ज़रूरत पड़ता है, इसके लिए हीट ट्रीटेड कार्बन स्टील से बने EN45 का आपका स्प्रिंग यूज़ करना पड़ेगा। बोल्ट, हाई टेंसाइल बोल्ट आपको यूज़ करना है ओके। इसके बाद जब भी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो इधर आप देख सकते हैं, मैं आपको बताया हूँ इधर दो हब
यूज होता है, ए वाला एक हब और ए वाला एक हब, ओके, दो हब इसमें रहता है। और इसमें आप शाफ्ट का हिसाब से बोर कर सकते हैं, मतलब ये जो बोर है, ये बोर आप लोग किसका हिसाब से करना पड़ेगा, शाफ्ट का साइज का हिसाब से आपको बोर बनाना पड़ेगा। उसके बाद शाफ्ट को इसमें फिक्स करने के लिए क्यूए बनाना पड़ेगा इस बोर में, और इस शाफ्ट में भी क्यूए बनाना पड़ेगा, और की देखे की का यूज करके शाफ्ट को फिक्स करना है, दोनों साइड में, इधर ड्राइवर रहेगा इधर ड्रिवन रहेगा, ओके। ये तो कंप्लीट हो गया। और हब का फ्रंट एंड में ग्रूव कटे हैं, हब का जो फ्रंट एंड है उसमें ग्रूव ऐसे कटे, मतलब ए वाला जो पोर्शन है उसमें ऐसे ऐसे ग्रूव कटे रहते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको डायग्राम का थ्रू दिखाऊंगा, थोड़ा आप लोग वेट कीजिए। उसमें ग्रूव कटे हैं, और एक ग्रूव इसलिए काटे जाते हैं कि उसमें स्प्रिंग का फिट कर सकते हैं। मैं आपको बताया हूँ कि इसमें सडन शॉक, वाइब्रेशन, इम्पैक्ट लोड जो भी आता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए स्प्रिंग का ज़रूरत पड़ता है। आप देख सकते हैं जो स्प्रिंग है, इसको फिक्स करने के लिए हब में ऐसे ग्रूव कटे रहते हैं, ओके। तो ग्रूव कटने का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग को उसमें सेट किया जा सकता है। एक हब ड्राइवर का साथ और दूसरा हब ड्रिवन शाफ्ट का साथ इसमें हम लोग फिट करते हैं। दोनों हब, ये जो दोनों हब है, दोनों हब का बीच में आप देख सकते हैं गैप है, जो ब्लैक पोर्शन है उसमें हम लोग थोड़ा सा गैप रखते हैं, ओके। गैप मेंटेन करने के लिए आपको क्लियरेंस गेज से चेक करना पड़ेगा कि हाँ प्रॉपर गैप इसमें है कि नहीं। तो पावर ट्रांसमिशन इसमें कैसे होता है, अगर दोनों हब के बीच में गैप रहेगा तो तब हम लोग इस्तेमाल करना पड़ता है स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग आप देख सकते कैसे कैसे ऐसे 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 स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग का मदद से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ओके। किसका साथ किसको जोड़ता है, एक हब का साथ दूसरा हब को जोड़ देते हैं। तो इधर से ड्राइवर सब जब भी रहेगा, ड्राइवर सब जब घूमेगा तो ये वाला हब भी घूमेगा, तो ये वाला हब जब घूमेगा इसका स्प्रिंग का मदद से तो कनेक्टेड है, तो ये वाला हब भी घूमेगा, ये हब जब घूमेगा इसका साथ कनेक्टेड जो ड्रिवन शाफ्ट है वो भी घूमेगा, पावर ट्रांसमिट होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें ऊपर जो ब्लू कलर का है एक कवर है, इसको कवर देके आपको ढकना पड़ेगा। और मेन चीज़ होता है ये वाला, ये वाला पोर्शन मेन चीज़ होता है, और ऊपर वाला पोर्शन जस्ट एल्यूमिनियम एलॉय से बने कवर होता है। और इधर आपको गैसकेट भी यूज़ करना पड़ता है, उसमें आपका क्या होता है लीक प्रूफ बन जाता है, लीक अपलो का नहीं होता है। और ये इसका बीच में क्या करता है, आपको लुब्रिकेंट यूज़ करना पड़ता है, ग्रीस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो और एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, इसमें आपको दो हब दिया है, हब का ऊपर मैं आपको बताया था कि ग्रूव कटे हैं, तो ग्रूव ऐसे कटे रहते हैं। और जो बोर साइज है, बोर साइज डिपेंड करता है शाफ्ट का साइज का ऊपर, ओके। और इसमें आप देख सकते हो ग्रूव्स फॉर स्प्रिंग, तो स्प्रिंग इसमें फिट करने के लिए हम लोग ग्रूव बनाते हैं, ठीक है। दोनों हब को ऐसे हम लोग जोड़ते हैं, नज़दीक लाता है उसका, बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं। और एक गैप किसका ऊपर डिपेंड करता है, कपलिंग का साइज का ऊपर डिपेंड करता है। कपलिंग अगर स्मॉल साइज है तो क्या होगा, उसमें गैप कम होगा, कपलिंग अगर बिग साइज का है तो इन दोनों हब का बीच में गैप हम लोग ज़्यादा देते हैं, ओके। और पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्प्रिंग लगा देते हैं। और स्प्रिंग लगाने के बाद क्या होता है, ये जो ड्राइवर शाफ्ट है, ड्राइवर शाफ्ट जब घूमेगा तो ये हब घूमेगा, और हब को हम लोग स्प्रिंग का साथ दूसरा हब का साथ कनेक्टेड कर दिए हैं, ओके। तब क्या होगा, ए वाला हब भी घूमेगा, और ए वाला हब जब घूमेगा, राइट साइड वाला हब जब घूमेगा, तब ड्रिवन शाफ्ट भी घूमेगा, तो पावर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये होता है प्रॉपर प्रोसेस, समझ में आ गया है। नेक्स्ट चेन कपलिंग, इससे पहले मैं आपको गियर कपलिंग, टायर कपलिंग, स्लिप कपलिंग, फ्लूइड कपलिंग के बारे में मैं आपको समझाया हूँ। कपलिंग का तौर पे जो चीज़ इस्तेमाल होता है उसका नाम का अनुसार कपलिंग का नाम होता है, जैसे गियर कपलिंग में गियर का इस्तेमाल, फ्लूइड कपलिंग में फ्लूइड का इस्तेमाल, इसीलिए उसका नाम होता है गियर कपलिंग, फ्लूइड कपलिंग, टायर कपलिंग, तो वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं इसीलिए। तो इसमें भी हम लोग कपलिंग का तौर पर चेन का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इस कपलिंग का नाम है चेन कपलिंग। चेन ड्राइव में क्या होता है, स्प्रॉकेट रहता है और चेन इस स्प्रॉकेट में मेस होता है, ओके। इसमें भी आपको सेम टू सेम प्रिंसिपल रहेगा, चेन कपलिंग आर शाफ्ट फिटिंग कंसिस्टिंग ऑफ टू रोज ऑफ रोलर चेन एंड टू स्प्रॉकेट, मतलब इसमें जो आपका शाफ्ट फिट होता है उसमें दो हब रहता है, दो हब का ऊपर दो स्प्रॉकेट रहता है, ओके। और उस स्प्रॉकेट में रोलर चेन, टू रोज ऑफ रोलर चेन उसमें क्या होता है, मैच करता है, ओके। इसमें बोला था चेन आर इजी टू बी कनेक्ट एंड सेपरेट सिंपली बाय रिमूविंग ए सिंगल पिन, इसमें एक पिन रहता है जिसका मदद से आप लोग चेन को कभी भी कनेक्ट कर सकते, डिसकनेक्ट कर सकते। कैसे करना पड़ेगा, डायग्राम का थ्रू मैं आपको बताऊंगा। द स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए चेन मेस्ड विथ आउटर टीथ ऑफ द स्प्रॉकेट, इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको बताया हूँ चेन ड्राइव में होता है स्प्रॉकेट का आउटर टीथ का साथ
चेन क्या होता है, मेस करता है, मैचिंग करता है, विच ट्रांसमिट द टॉर्क, जो टॉर्क को ट्रांसमिट करने में मदद करता है, एंड इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल पावर ट्रांसमिशन। और ये स्मॉल पावर ट्रांसमिशन जब आपको करना पड़ेगा, कम अगर आपको शक्ति संचरित करना है, तब आपको चेन कपलिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देयर आर टू हब्स हैविंग स्प्रॉकेट एट इट्स वन एंड फॉर फिटिंग चेन। इसमें आपको बोला है इसका दो हब होता है और दो हब का एंड पोर्शन में स्प्रॉकेट रहता है। स्प्रॉकेट में एक्सटर्नल टीथ होता है, दो हब है तो इसमें भी एंड पोर्शन में स्प्रॉकेट रहता है, इसमें एक्सटर्नल टीथ होता है, ओके। और स्प्रॉकेट हम लोग क्यों करते हैं, फॉर फिटिंग चेन, चेन को फिट करने के लिए। वन हब इज फिटेड टू ड्रिवेन शाफ्ट, एक हब तो ड्रिवेन शाफ्ट का साथ फिट होता है, और दूसरा जो आपका एंड है, दूसरा हब का जो एंड है वो ड्राइवर शाफ्ट का साथ फिट होता है, ओके। समझ में आ गया, जो मैं आपको पहले ही भी बता के आया हूँ। तो इसके बाद आपको डायग्राम देखना है। तो ये है इसका हब, हब आप देख सकते हैं, इसमें क्यूए भी कटा है, और इसमें आप देख सकते हैं जो गैप है, इसमें आप लोग एलेन स्क्रू का मदद से शाफ्ट में होल्ड कर सकते हैं। कैसे करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये अगर ड्राइवर शाफ्ट होता है तो इसको अंदर अगर आप लोग शाफ्ट को डालते हैं तो क्या होगा, उसमें एलेन स्क्रू देके शाफ्ट का साथ उसको आप लोग फास्टनिंग कर सकते हैं, और इधर आपको की भी देना पड़ेगा, ओके। और ये जो हब है इसमें आप देख सकते हैं स्प्रॉकेट कटे हैं, वैसे दो स्प्रॉकेट और एक स्प्रॉकेट भी उधर रहेगा, और एक हब रहेगा उसमें भी एक स्प्रॉकेट होगा, ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं ये दो हब है, इसमें एक स्प्रॉकेट है, इसमें एक स्प्रॉकेट है, इसमें टू रो ऑफ रोलर चेन का हम लोग इस्तेमाल किए हैं, ओके। और चेन को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के लिए इधर हम लोग एक पिन यूज़ किया, आप देख सकते हैं ये वाला पिन है, ये वाला पिन है, ठीक है। तो मैं आपको इरेज करके दिखाता हूँ, उधर एक पिन यूज़ होता है, उसको आप लोग कभी भी खोल सकते, कभी भी एंगेज कर सकते, ओके। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप देखिए ये इधर से ड्राइवर शाफ्ट फिट होगा, ड्राइवर शाफ्ट जब फिट होगा ऊपर से एलन स्क्रू देकर आप लोग फिट करेंगे और की देके भी फिट करेंगे, तो ये जब ड्राइवर घूमेगा पावर ट्रांसमिट करेगा तो ये कहाँ पे ट्रांसमिट होगा, ये हब में ट्रांसमिट होगा। और इसमें स्प्रॉकेट है, स्प्रॉकेट का इसका चेन का साथ मैच हो रहा तो चेन में ट्रांसमिट करेगा, और ये चेन फिर से ये दूसरा हब में क्या होगा, पावर को ट्रांसमिट करेगा, और उस हब में क्या कनेक्ट रहता है, ड्रिवन शाफ्ट कनेक्ट रहता है, वो ये जो हब है वो किसको घुमाएगा, पावर इसको देगा, ड्रिवन शाफ्ट को देगा, तो ड्रिवन शाफ्ट भी घूमेगा, तो ऐसे पावर ट्रांसमिट होता है। तो बेसिक फंडा सबका सेम होता है, बस इसमें इसमें अलग अलग चीज़ यूज़ होता है। तो इसमें एक अलग से आपको पिन यूज़ करना पड़ता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसको क्या करना पड़ता है, इसको कवर देने के लिए आप देख सकते हैं ऐसे केस का यूज़ करना पड़ता है, ऐसे कवर अप करके हम लोग उसको रखते हैं, ओके। तो चेन कपलिंग आपको समझ में आ गया। और लास्ट जो एक कपलिंग है, इससे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाता है, सेफ्टी और स्लिप टाइप कपलिंग। सेफ्टी और स्लिप टाइप कपलिंग में क्या होता है, स्लिप मतलब क्या होता है, वो फिसल जाता है। एक सेफ्टी कपलिंग इज सेल्फ डिसएंगेजिंग व्हेन द टॉर्क इज हायर देन द फ्रिक्शन जनरेटेड बाय द स्प्रिंग एंड जॉ। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, इस कपलिंग का स्प्रिंग और जॉ का बीच में जितना फ्रिक्शन जनरेट होता है, जितना फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, उससे ज़्यादा अगर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टॉर्क अगर ट्रांसमिट करने का कोशिश करता है, तब क्या होता है, ऑटोमेटिकली कपलिंग डिसएंगेज हो जाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक डिसएंगेज हो जाता है, इसलिए क्या होता है, वो सेफ्टी कपलिंग उसका नाम है। डिसएंगेज नहीं होता तो उसमें कपलिंग टूट सकता है, और उसमें आप लोगों का कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो पहले से वो ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाता है, इसलिए इसका नाम है सेफ्टी कपलिंग। और ऑटोमेटिक डिसएंगेज होता है, सेल्फ डिसएंगेज होता है, मतलब ऑटोमेटिक वो खुल जाता है, एक दूसरे से वो डिसएंगेज हो जाता है, इसीलिए इसको आप लोग स्लिप टाइप कपलिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका डायग्राम, आप लोग देखिए ऐसे ये वाला ड्रिवन शाफ्ट है, ये वाला ड्राइवर शाफ्ट है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो आपका हब है ये इसका साथ मैच होता है, ओके। और ये है इसका जॉ है, और ये इसका स्प्रिंग है। तो इन जॉ और स्प्रिंग का बीच में जितना फ्रिक्शन होता है, उसका ज़्यादा अगर ट्रांसमिट पावर ट्रांसमिट करने का कोशिश करेगा तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक डिसएंगेज, एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं, क्योंकि इसमें स्प्रिंग रहता है, तो स्प्रिंग क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसको पीछे लेके आ जाएगा जब भी ज़्यादा पावर ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा अगर पावर आएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये जॉ को पीछे लाएगा, और ये जॉ को भी पीछे धकेल देगा, तो ऑटोमेटिक वो डिसएंगेज हो जाएगा ना, दो कपलिंग। समझ में आ गया, ये होता है सेफ्टी कपलिंग। ये सेफ्टी कपलिंग क्यों नाम है, क्योंकि इसमें आप लोगों का कोई भी मतलब कपलिंग का कोई भी हानि नहीं होता, कोई भी आप लोगों का कपलिंग टूटता भी नहीं है, किसी का कोई भी चोट भी नहीं पहुंचता है, ओके। और ऑटोमेटिक डिसएंगेज होता है, इसलिए इसको स्लिप कपलिंग कहते हैं। तो पूरा कपलिंग चैप्टर मैं आज आप लोगों का कंप्लीट कर दिया हूँ। तो जितना भी स्टूडेंट वीडियो देखा, वो सभी स्टूडेंट को मेरा तरफ से थैंक्स है, और जो भी स्टूडेंट नहीं देखा तो वो सभी स्टूडेंट को और भी थैंक्स है, क्योंकि आप लोग नहीं देखे, इसलिए जो स्टूडेंट वीडियो देखे वो सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, ओके।
तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना। कमेंट करने से हमें मोटिवेट मिलता है, मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, जैसे आप लोगों को मैं मोटिवेट करता हूँ उसे हमें भी मोटिवेटेड रहने का ज़रूरत पड़ता है, तभी हमें लगता है कि नहीं नहीं वीडियो कुछ अच्छा अच्छा वीडियो अपलोड करना है। ओके, तो इसका बाद नेक्स्ट क्लास आप लोग का आएगा 7th नंबर का क्लास, DRDO का जो 2000 MCQ मैंने चालू किया उसका 7th क्लास आ जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।